जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया था यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम हुआ है 2024 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन जो है वो जीएस वन का है। तो अभी जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेली वन क्वेश्चन एम मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिसमें कुछ पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ और जो पॉइंट्स आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इससे एक तरीके से क्या होगा कि मेंस के आंसर आपका डिस्कशन होता रहेगा। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में भी रखे थे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सीधा सीधी पूछा गया था एशियंट हिस्ट्री से। अगर एशियंट हिस्ट्री से भी वो जो पूछा गया है वो नॉर्मली जो पूछा गया है लेटर वैदिक पीरियड और लेटरल वैदिक पीरियड में, जिसमें सोसाइटी और इकोनॉमी के बेसिस पे आपको डिफरेंसेस बताने थे, परिवर्तन बताने थे। अगर आपने क्लास सिक्स की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो आप इसका आंसर इजिली लिख सकते थे। ये जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसको पता चल गया होगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही वहीं से था। अब देखिए, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, या आप इसको किससे कनेक्टेड कर सकते हो, जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है उसमें भी आपको इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन का जो अगर हम सिग्निफिकेंस टॉपिक की बात करते हैं तो ये पूछा गया है पल्लवास डायनेस्टी के टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर जो डेवलप हुआ था वहां से ये क्वेश्चन निकल के आया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एस्टिमेट करना है, यानी कि दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान के बारे में आपको क्या बताना है, बताना था, यानी कि एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन ऑफ साउथ इंडिया। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर हो सकते थे, आपको 150 वर्ड में लिखना था, तो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको डिस्कस करता हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फिर जब हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे, या उस पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि अगर जिसके जिस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी या जिस कैंडिडेट के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट आंसर हो सकता था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं पल्लवास ऑफ कांची मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि उनके द्वारा बहुत से योगदान दिए गए हैं किसके लिए, जो आर्ट एंड लिटरेचर है, आर्ट एंड लिटरेचर है साउथ इंडिया में उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए। इसकी जो पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वो आता है आर्किटेक्चर यानी कि वस्तुकला। अगर हम वस्तुकला की बात करते हैं तो पल्लवास के द्वारा बहुत से जो टेम्पल्स थे या स्ट्रक्चर्स टेम्पल थे वो क्या है, रॉक कट के द्वारा यानी कि चट्टान को काट करके संरचनात्मक मंदिरें बनवाई गई थी, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में क्या था, एक अद्भुत था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो महाबलीपुरम में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सोर टेम्पल देखने को मिल जाएगा, जो कि एक रॉक कट टेम्पल है। और फिर बात करते हैं जो टेम्पल है आर्किटेक्चर वो इस तरीके से, मतलब सेट द फाउंडेशंस आपको देखने को मिल जाएगा किसके लिए, द्रविड़ा टेम्पल डिजाइन के लिए, यानी कि जो उनकी मंदिर वस्तुकला थी, वस्तुकला ने क्या किया था, द्रव्य मंदिर डिजाइन की एक नींव रखी थी। तो ये आर्किटेक्चर्स में इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है मूर्तिकला। तो उनके द्वारा बहुत से जो स्कल्पचर्स हैं वो स्टोन के ऊपर क्रिएट किया गया था, जिसमें बहुत से देवी देवता यानी कि जो गॉड गॉडेस थे, एनिमल्स थे, जो मैथोलॉजिकल थे यानी कि जो पशु पौराणिक हृदय शामिल, इसमें क्या थे, दृश्य शामिल थे। तो महाबलीपुरम की उनकी क्या है, कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो कि अपनी उत्कृष्ट कला के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, फेमस थी, प्रसिद्ध थी। फिर अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की, तो वो आता है लिटरेचर। लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपको पल्लवास किंग के द्वारा बहुत से जो तमिल लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में क्या है, लेख लिखवाए गए थे, जैसे उनमें कुछ पोएट और कुछ विद्वान के नाम है, जैसे डांडिन और जो भारवी है, यानी कि अगर हम डांडिन और भारवी जैसे कवि और विद्वान की बात करते तो उनके दरबार में थे, जो जिनके पास तमिल और संस्कृत भाषा की काफ़ी ज़्यादा क्या थी, नॉलेज थे, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें समृद्ध थे। तो ये आपको लिटरेचर के फॉर्म में मिल जाएगा।
अगला पॉइंट की बात करते हैं तो आता है हमारे पास स्प्रेड ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति का कैसे प्रसार हुआ था, बढ़ावा उनके द्वारा मिला था। अगर हम पल्लवास डायनेस्टी की बात करते हैं तो उनके द्वारा साउथ इंडिया आर्ट और कल्चर को पूरे साउथ एशिया में उनके द्वारा किया है, मैरीटाइम ट्रेड के द्वारा कल्चर्स को एक्सचेंज किया गया था, मतलब उस कल्चर को फैलाया गया था पूरे इन्फ्लुएंस रीजन। जैसे कुछ कंट्री के नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे वियतनाम और हम कंबोडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, इसके एविडेंस थे। तो जिससे ये पता चलता है कि पल्लवाज डायनेस्टी के टाइम पे तो साउथ इंडियन आर्ट और कल्चर था वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भी क्या है, समुद्री व्यापार के द्वारा फैला था। कंक्लूजन की बात करते हैं तो उनकी जो विरासत थी, विरासत ने दक्षिण भारत यानी कि जो दक्षिण साउथ इंडिया है उसकी समृद्धि, यानी कि जो उनकी आर्टिस्ट है यानी लिटरेसी की बात कर लिटरेरी की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, उनकी समृद्ध कला और जो साहित्य धरोहर है उसको क्या किया था, एक आकार शेप देने का काम किया था। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे, यदि आपको पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ और पॉइंट्स हो सकते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम वो 3 डिस्कस करेंगे कि वे कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसके परिणाम मतलब इसके परिणाम को स्पष्ट करना था। एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम GS1 की बात करते हैं तो GS1 में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो देखिए अगर हम GS1 की बात करते हैं तो इसमें जो प्राइमरी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री इसमें आपकी तीनों मेंशन होती है, यानी कि आपकी एशियंट हिस्ट्री भी मेंशन होती है, मेडिवल भी मेंशन होती है और मॉडर्न भी मेंशन होता है। हिस्ट्री के बाद इसमें पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जियोग्राफी से। तो ये आपको प्राइमरी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा किसके लिए, GS1 के लिए। तो अभी हमारा GS1 का डिस्कशन चल रहा है, जैसे ही हमारा GS1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम GS2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, GS2 कंप्लीट होने के बाद GS3, GS3 कंप्लीट होने के बाद GS4। इस तरीके से आपको डेली एक जो UPSC मेंस आंसर डिस्कशन है वो आपको मिलता रहेगा। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।